वहीं सुकमा में नक्सलियों से हुई पुलिस की मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस को सर्चिंग में एक महिला नक्सली की लाश भी मिली है, जिसकी पहचान सेक्शन कमांडर के रूप में हुई है। महिला नक्सली के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस को घटना स्थल से इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने सूचना मिलते ही ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर किया। सीआरपीएफ डीआईजी साहब से समन्वय स्थापित करके एक प्लान बनाया गया।